फर्जी टीआरपी मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा। मुंबई पुलिस ने अदालत में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है उसमें अर्नब गोस्वामी को मुलजिम बनाया गया। यहां काबिले जिक्र है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में 9 महीने कबल FIR दर्ज की थी और उस वक्त के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया था कि टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी भी शामिल हैं। बहरहाल मुंबई पुलिस ने अदालत में फाइल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अर्नब समेत 5 लोगों का नाम शामिल किया है। अर्नब के अलावा ARG ऑटलर मीडिया रिपब्लिक टीवी का मालिकाना हक रखने वाले के 4 लोगों के नाम हैं। पुलिस के जरिए अदालत में फाइल की गई 1800 सफहात की चार्जशीट में इसका जिक्र किया गया। फर्जी TRP मामले में माउन मुलजमीन के तौर पर CEO प्रिया मुखर्जी, शिवेंदु मिलकर, शिवा सुंदरम का भी नाम है जिन्हें पहले वांटेड दिखाया गया था। अब तक पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है जिसमें BARC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो दास गुप्ता और रिपब्लिक टीवी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास खांजदानी भी शामिल हैं।